वंदे मातरम बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपना जो दूसरा अध्याय था भूगोल का, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, उसका आगे का जो शेष भाग है वो आज पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने ग्लोब के बारे में पढ़ा। ग्लोब अपनी पृथ्वी का एक मॉडल है, यानी एक पृथ्वी की प्रतिकृति है, यानी पृथ्वी के जैसा ही एक प्रतिरूप है वो ग्लोब है। ग्लोब पर भूगोलवेत्ताओं ने काल्पनिक रेखाएं खींची। क्या रेखाएं खींची? काल्पनिक रेखाएं खींची। और ग्लोब पर ठीक बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं उसे? विषुवत वृत्त। और इसको मान दिया गया 0 डिग्री अंश। क्या मान दिया गया? 0 डिग्री अंश। और यह विषुवत वृत्त पृथ्वी के चारों तरफ है। विषुवत वृत्त पृथ्वी के चारों तरफ है तो इसका मान है 360 डिग्री। कितना मान है? 360 डिग्री। विषुवत वृत्त के ऊपर का जो पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा है उसे नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दिया गया? उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण का हिस्सा है उसे नाम दिया गया दक्षिणी ध्रुव, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर का जो भाग है उसे नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध। इस विषुवत वृत्त के ऊपर की जो हिस्सा है उसे नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के नीचे का जो हिस्सा है उसे नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। और इस विषुवत वृत्त का मान है 360 डिग्री अंश। तो ऊपर का जो हिस्सा है यानी इसका जो आधा हिस्सा है वो पृथ्वी के मान का यानी इस विषुवत वृत्त के मान का 1/4 है। कितना है? 1/4। तो ये कितना होगा? 1/4 का मतलब 90 डिग्री अंश। कितना हो गया? 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री अंश दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे नाम दिया गया कर्क रेखा। तो उसको नाम दिया गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम रखा कर्क रेखा। फिर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी शीत कटिबंध। नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और फिर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसको नाम दिया गया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कहने का मतलब है कि विषुवत वृत्त के विषुवत वृत्त के समानांतर रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। कौन सी? विषुवत वृत्त के समानांतर जो रेखाएं हैं। अब रेखाएं कौन सी? भूगोलवेत्ताओं ने काल्पनिक रेखाएं खींची वो रेखाएं। तो इन रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में तो क्या नाम दिया गया? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश नाम दिया गया।
विषुवत व्रत के यानी विषुवत व्रत जिसका मान है 0 डिग्री के उत्तर ध्रुव जिसका मान कितना है 90 डिग्री अंश तथा दक्षिण ध्रुव जिसका मान भी कितना है 90 डिग्री अंश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश कितने हैं 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी विषुवत व्रत के समानांतर रेखाओं को ये विषुवत व्रत है। इसके जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जो समानांतर रेखाएं हैं उन समानांतर रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत व्रत जिसका मान है 0 डिग्री अंश इस विषुवत व्रत के उत्तर ध्रुव उत्तरी जो उत्तर ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध है इसका मान कितना है 90 डिग्री अंश और दक्षिणी जो गोलार्ध है या दक्षिणी जो ध्रुव है उसका मान कितना है 90 डिग्री अंश के अतिरिक्त 4 रेखाएं और हैं। कितनी है 4 रेखाएं वो 4 रेखाएं हैं पहली उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध इस उत्तरी गोलार्ध में पहली रेखा है कर्क रेखा ये कितने डिग्री पे है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दूसरी रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है मकर रेखा और इसका भी मान कितना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर आगे विषुवत व्रत के उत्तर में उत्तर ध्रुव उत्तर ध्रुव व्रत इसका मान है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में है चौथी रेखा दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विषुवत व्रत के समानांतर 4 रेखाएं हैं। पहली कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी गोलार्ध में 2 रेखाएं हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दूसरी है उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और फिर है दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के ताप
ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। यानी ये थोड़ा ही है कि पृथ्वी पर वातावरण या ताप एक जैसा है, नहीं है। पृथ्वी पर वातावरण या तापमान अलग अलग है, वो क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, तो एक कर्क रेखा है, ये नहीं कर्क रेखा, यानी इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच ये जो हिस्सा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, यानी इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। जब दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब ऊष्मा प्राप्त होगी, यानी जब ताप मिलेगा, तो वो क्या होगा, वहां का वातावरण गर्म होगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, उसमें बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक सिर के ऊपर होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, उष्मा ज्यादा प्राप्त होती है। उष्मा ज्यादा प्राप्त होने की वजह से यहाँ का वातावरण गर्म रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। अरे भाई, गर्मी के दिनों में अपने ज्यादा गर्मी रहती है, क्यों रहती है कि गर्मी के दिनों में सूर्य ठीक अपने ऊपर रहता है, यानी जब अपन गर्मी के दिनों में रहते हैं तो दोपहर के समय सूर्य अपने ठीक सिर के ऊपर उष्मा प्रदान करता है, यानी ठीक सिर के ऊपर होता है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। फिर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, यानी इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में किसी भी अक्षांश पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद
कारक और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। नहीं होता ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ठीक यहां पर बीचों बीच में सूर्य अपनी ऊष्मा प्रदान करता है, लेकिन जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इसलिए इस क्षेत्र का तापमान कौन सा क्षेत्र? ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये वाला, और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के ये वाला, इसमें तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर कई देश ऐसे हैं जहां पर जैसे अपने मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी बरसात, वैसे वहां पर मौसम में कोई बदलाव नहीं रहता, हमेशा शीत वातावरण ही रहता है। ये तो अपन भाग्यशाली है कि अपना जन्म इस पुण्य भूमि पर हुआ जहां पर देवता भी रमण करने आते हैं। फिर आगे है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से ये बात। फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य
क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध है, इसलिए ये शीत कटिबंध यानी कहने का मतलब है कि दक्षिणी गोल दक्षिणी जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, इस दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणें या सूर्य का तापमान सूर्य की उष्मा नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ का वातावरण कैसा होता है, ठंडा होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया शीत कटिबंध। यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। धन्यवाद। इसको नोट्स की कॉपी में उतारना है और याद करना है।